वेनिस वाली फीस लेके जाओ। तो गाइस अब यहाँ से कम धूप होती है मेरी ड्राइव बोट की, और जहाँ से ये लोग आ रहे हैं मैं भी अभी वहीं से ऊपर बोट से आई हूँ। सो दिस कम्प्लीट्स माय बोट राइड ऑफ होलियान एंड इट वाज सो पीसफुल, सो ग्रेट, सो नाइस। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चीज थी विच वॉज मच नीडेड। आई वुड सजेस्ट अगर आपको मौका मिले तो इसे छोड़ना मत। गाइस अभी हम जा रहे हैं हैनोई, और मेरे पीछे देखो साथ वाली बिल्डिंग का स्विमिंग पूल इतना ब्यूटीफुल आ रहा है अभी कि मेरे को बड़ा मन किया कि भाई वहीं पे ही चले जाओ, वहीं पे ही स्विमिंग कर लो, इतना सही स्विमिंग पूल है वो। स्विमिंग पूल तो मेरी वीकनेस है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल्स में जाके स्विमिंग करूँ। तो अभी हम जा रहे हैं हैनोई। हैनोई में बहुत सारी चीज़ें जैसे जापानीज ब्रिज हो गया, जैसे मार्बल माउंटेन हो गए, जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ये तो डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जा रहे हैं, बट कहीं तो जाएंगे। पीछे इतने ब्यूटीफुल से छोटे छोटे हिल्स हैं, और उसके ऊपर ना पूरे क्लाउड्स ही उसपे आए हुए हैं। इट इज लाइक वेरी पिक्चरिस्टिक। गाइस मेरे पीछे इतना ब्यूटीफुल सा इन्होंने डेकोर किया हुआ है। मैं आ गई हूँ एंशियंट विलेज, ये है हैनोई में। तो हैनोई अगर आप आते हो तो हैनोई में तीन चीज़ें मेन है जहाँ तक मैं कहूँगी कि आप देख सकते हो। एक है एंशियंट टाउन, दूसरा है जापानीज विलेज, और तीसरी है यहाँ की नाइट मार्केट। सच्ची बताओ तो नाइट मार्केट से मेरा मन उठ चुका है, वहाँ पर कुछ भी काम का नहीं मिलता है। तो अब जो उम्मीद है वो है एंशियंट टाउन पे और एक जापानीज ब्रिज पे। तो चलो चलते हैं। गाइस अभी एक आइसक्रीम लिया मैंने, ये कह रहे हैं इट्स मेड फ्रॉम स्विस चॉकलेट, तो 30,000 डोंग की आई है मेरे को। दिस इज पोर्क सॉसेज और चिकन सॉसेज, हाउ मच? दिस इज चिकन, नो पोटैटो। Okay, and chicken? No, yeah. Potato. No, chicken with potato, can not only chicken. No, I want vegetable and chicken. Yes. Chicken, spring roll. Yes, but usually, and chicken. Usually I sell potato, onion and chicken. गाइस मेरे पीछे देखो इतना ब्यूटीफुल है, सारी स्ट्रीट इतनी पिक्चरिस्टिक है कि अगर आप आओ तो ये एंशियंट विलेज जरूर आना। यहाँ पे आपको ऐसे छोटे ये राइस पैनकेक्स मिलेंगे जैसे मैं खा रही हूँ, और ये राइस पैनकेक मुझे जनरली 30,000 or 40,000 डोंग के बोलते हैं, जो कि आप कम करवा सकते हो, 20,000 or 30,000 डोंग बोल सकते हो, एंड वो इजीली कम कर देते हैं। मतलब बस बोलो तो वो कहते हैं ओके ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर लैम्प्स हैं, ये बहुत ही सुंदर बास्केट लैम्प हैं जो कि अगर आपको दिख रहे हैं तो ऐसे लैम्प अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है। ऑफ कोर्स आप अपने घर के लिए लेके जा सकते हो एज अ मोमेंटो। तो गाइज अभी मैं ये वाली शॉप पे थी, यहाँ पे इतने सारे सुंदर सुंदर हेयर बैंड्स थे, तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ऐप सच इनका लोकल लिया। देखो बड़ी सुंदर हेयर बैंड्स है, वैसे हमें कहीं भी मिल सकते हैं, बट मेरे को ये बड़ा क्यूट लगा तो मैंने कहा ठीक है मैं एक ले लेती हूँ। ये मेरा 1 लाख डोंग का आया। 1 लाख डोंग मतलब हमारी करेंसी में 420 रुपीज़ ही होता है, पर मेरे को बड़ा सुंदर सा लगा तो मैंने एक ले लिया।
बाकी आपको यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर ऐसे से ही मिलेंगे, लैम्प्स काइंड ऑफ अ थिंग एंड दे आर लाइक जस्ट वंडरफुल. ठीक है, आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, दे आर अल्टीमेट ब्यूटीफुल. आप जब आगे चलते जाओगे तो थोड़ी देर में आपको ये नाइट मार्केट आ जाएगी. यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, खाना पीना, वैसे तो अंदर वॉक करते हुए भी सब अवेलेबल है, पर यहाँ पे नाइट मार्केट आ जाएगी. और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल ये जो रिवर है इसके साथ साथ चल रही है, और रिवर पे आप जाके यहाँ पे क्रूजेस ले सकते हो और यहाँ पे लंच कर सकते हो. और इनकी बोट्स जो है इतनी ब्यूटीफुली लाइटों से सजी हुई है कि आपका दिल खुश हो जाएगा. तो हमने अभी बनाना रोटी खाने के लिए उनको बोला है कि आप एक बनाना रोटी बना दो, यहाँ की नहीं ये थाईलैंड की फेमस है और हमें आदत पड़ चुकी है थाईलैंड से खा कर, हमें टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ स्वीट रोटी जिसमें बनाना और न्यूट्रेला डाल देते हैं. सो शी इज़ मेकिंग वन फॉर अस राइट नाउ. वी गॉट इट फॉर 30,000 डॉग. मेरे पीछे इतना ब्यूटीफुल सीन है कि कोई हद नहीं है. एंड यहाँ पे हर कोई लैंटर्न्स लेके चल रहा है. इनफैक्ट पीछे बोट्स हैं, बोट्स के अंदर भी लैंटर्न्स हैं, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे कैप्स दे रखी हैं और ये सारे लैंटर्न्स दे रहे हैं. आप ये लैंटर्न परचेज करके बोट में जाके आराम से आप बैठ सकते हो. इट्स द लैंटर्न फेस्टिवल ओवर हियर. दिस इज सो ब्यूटीफुल कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है. यहाँ पे शोर है बट फिर भी इतनी कामनेस है. और मेरे पीछे दोनों साइड मार्केट है, बीच में बस एक ये बैक वाटर टाइप इन्होंने एक रिवर बना रखी है, रिवर की स्ट्रीम जहाँ पे सारी बोट्स हैं. द रिवर इज सो क्लीन, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट सो इन्जॉयबल. यहाँ पे सबने लैंटर्न लगा रखी है. अभी हम फ्लोटिंग मार्केट में, और फ्लोटिंग मार्केट में ये जो बोट है ये दो जनों की बोट हमें पड़ी है 150 डोंग की. तो अगर आप तीन लोग भी हो तब भी आपको 150 डोंग ही पड़ेगा. इन्होंने बोट की एस्थेटिक्स के लिए इतने सुंदर सुंदर ये चाइनीज हैंड पेंटेड या जापानीज एक्चुअली हैंड पेंटेड ये लैंटर्न्स लगाए हैं जो बोट की एस्थेटिक बिल्कुल रोमांटिक और ब्यूटीफुल बना रहा है. आई थिंक अभी इनका लैंटर्न फेस्टिवल है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट हाँ मेरे को लग रहा है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है. और दोनों साइड पे इस बोट की मार्केट है, ये वाली इतनी ब्यूटीफुल मार्केट है. और ये जो पानी है बिल्कुल भी स्टिंक नहीं कर रहा है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो रिफ्रेशिंग. आप यहाँ पे आओ, इट फील्स लाइक आप एक मेडिटेशन कर रहे हो. और इतना ब्यूटीफुल स्काई है, क्लाउडी स्काई है, इट्स सो रोमांटिक, सो ब्यूटीफुल. यू मस्ट ट्राई दिस बोट राइड. मतलब अगर आप वेनिस नहीं गए हो तो यहाँ तो आगे ट्राई कर ही सकते हो, इससे अच्छा क्या मिलेगा. गरीबों का वेनिस बोल सकते हैं, पर ये है. अगर आप इंडिया में हो तो दिस इज द क्लोजेस्ट वेनिस यू कैन गेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. तो यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, वेनिस वाली फील्स लेके जाओ. मेरी राइड बोट की, और ये जहाँ से ये लोग आ रहे हैं मैं भी अभी वहीं से ऊपर बोट से आई हूँ. सो दिस कम्प्लीट्स माई बोट राइड ऑफ हुई एन, एंड इट वॉज सो पीसफुल, सो ग्रेट, सो नाइस. एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चीज़ थी विच वॉज मच नीडेड. आई वुड सजेस्ट अगर आपको मौका मिले तो इसे छोड़ना मत. गाइज ये है चिकन के स्प्रिंग रोल इन राइस शीट, ट्रांसलूसेंट राइस शीट, एंड दिस is just out of the world.
ये चीज मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, क्योंकि ना यहाँ पर हर चीज आपको पोक में मिलेगी, चिकन में नहीं मिलेगी, पर मेरे को पोक का वो टेस्ट नहीं है। तो अभी यहाँ पे हानोई में एक ये रेस्टोरेंट है बहुत क्यूट सा, हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप चिकन में हमें बना के दे दो, तो मैं ट्राई करना चाहूँगी। तो उन्होंने चिकन के लिए बनाया एंड दिस इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम अभी होयान होके आ गए हैं और मैं दिखा दूँ, मैंने एक ये लैंटर्न लिए हैं जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ना टंगे हुए, मैंने ये वाले लैंटर्न लिए हैं। मेरे को पड़ा एक लैंटर्न की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो मैंने 2 लैंटर्न लिए हैं जिससे मैं अपनी वॉल पे इनको डेकोरेट कर सकूँ, और यही मेरा एक मोमेंटो रहेगा घर जाके कि हाँ जी मेरे पास ये चीज़ है। बाकी आप देखो 10 o'clock यहाँ पे सारी मार्केट बंद हो जाती है। हमने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत शॉपिंग की, थोड़ा बहुत घूमा, बहुत सारे एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेके मैं होयान से जा रही हूँ। आई डोंट थिंक मैं दोबारा होयान आऊँगी। मैंने जापानीज ब्रिज बहुत इंजॉय किया, मैंने नाइट लाइफ बहुत इंजॉय की यहाँ की, एंड होयान के लिए स्पेशल एक थैंक्स रहेगा होयान के लोगों के लिए कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल सी सिटी बनाई है जिसको आके मैंने इंजॉय किया, इतनी सारी मेमोरीज ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।